बहुत मस्ती तुम करते हो, हवा खा रहे हो। तो गाइस अभी हम लोग घर आ गए हैं। आ गए हैं ना, कहाँ आए हैं? आज मेरे लिए क्या लेके आए हैं? क्या लेके आया होता है? चाय सुपता बार से बर्गर। हाँ, अपने लिए किंडर जॉय लाया है और मेरे लिए बर्गर लाया है। बुट्टा खाएंगे। तो गाइज अभी शाम का टाइम हो गया है और मम्मी बहुत सारे फ्रूट्स और बुट्टा वगैरह लेके आई हैं, तो मैं चलती हूँ खाने और मम्मी बना रही हैं पकौड़ी, तो पहले खा लेते हैं। क्या खा रहे हो सर? गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? तो गाइज अभी सुबह का टाइम हो रहा है और आज ऐसा लग रहा है ना कि बाहर धूप भी है हल्का फुल्का और बादल भी है, मतलब धूप निकला है अच्छा खासा। अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं। अथर को मैंने स्कूल भेज दिया है, अथर स्कूल गया है, आज मंडे है। कूलर की आवाज़ आ रही होगी। तो मेरा भी अब काम है, बहुत सारे कपड़े धोने के लिए मैं निकाली हूँ क्योंकि पति देव का सारा कपड़ा मुझे धोना था, तो मैं अभी रख दी हूँ, निकाल के मम्मी धो देंगी, उसके बाद मैं जाके फिर मैं हेयर वॉश करके आज नहाऊंगी। उसके बाद मेरा एग्जाम है आज 3 बजे से, आज मेरा लास्ट एग्जाम है, लास्ट पेपर है, फोर्थ पेपर है सेकेंड सेमेस्टर का। कुछ लोग पूछ रहे थे कि आप किस चीज़ का एग्ज़ाम दे रही हैं, तो मैं बता दूँ मेरा बीएड का सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा है। मैं यूपी से बीएड कर रही हूँ, इसलिए 4 एग्ज़ाम होगा, फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर, सेकेंड ईयर में 2 सेमेस्टर, तो ये फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर है, ठीक है? तो मतलब इसके बाद मेरा 1 साल कम्प्लीट हो जाएगा। तो अभी आज मुझे सुबह एक येल्लो कलर की साड़ी का शूटिंग भी करना है, तो मैं उसके लिए भी रेडी हो जाऊंगी थोड़ी देर के बाद, और फिर शाम में जाऊंगी एग्जाम देने। बाकी आप मेरे ब्लॉग में बने रहो, मैं थोड़ा सा भी रेस्ट करूंगी उसके बाद जाऊंगी। येलो कलर की साड़ी पहन के, और ये देखो मेरे आज कौन आया है, नानी आई है, मतलब मेरी मम्मी की मम्मी, मेरी नानी। और देखो मेरी नानी क्या लेके आई है, वो वाला दो यार, बड़ा वाला मेरा फेवरेट है। आज मुझे जाना है एग्जाम देने, मैं सोची हूँ आराम से कार में लेके जाऊंगी इन सबको, पूरे रास्ते खाते पीते। ये देखो गुआवा किसका किसका फेवरेट है कमेंट्स में जरूर बताइएगा, गुआवा बहुत अच्छा लगता है। और फिर मेरी मम्मी तो अभी सिलाई कर रही थी, आके बैठ गई वीडियो में। तो अभी 12:30 हो गए, 1 बजे से मेरा एग्जाम है, तो अब मैं जा रही हूँ साड़ी को चेंज करने, सूट पहनूंगी, उसके बाद एग्जाम देने जाऊंगी, है ना? और तो मेरी नानी आई है ना, और तो पूछ रहा था तुम्हारी नानी है। मैं ये वाली साड़ी पहन के शूटिंग कर रही थी, सो मेरा काम हो गया। और आज है सोमवारी। क्या हुआ थर, आओ आज। ये अपना खिलौना लेके घूम रहा है। तुम सारे खिलौने लेके क्यों घूम रहे हो? नानी से पूछो, तुम क्या ज्योति वाली था गिरा दे, से उठा दो इसका, उठा दो तो एक झोल। हेलो गंगा जी, गंगा जी, तो हम लोग आ गए गंगा मैया के पास, पूल के पास। एग्जाम देने के लिए, और आज मेरा लास्ट एग्जाम है, आज फोर्थ पेपर है, तो बस आज के बाद बस कॉलेज में प्रैक्टिकल के लिए ही जाना होगा, फिर थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम देने जाना होगा बलिया। तो आई थिंक थर्ड सेमेस्टर में शायद 2 ही पेपर होता है, तो उसका टेंशन नहीं है, 2 ही दिन जाना है। लंच भी करना होगा, लंच भी करना होगा, बाबू तो ब्लॉगिंग कर रहा है। एग्जाम देने जब जाओगी ना, तो वहाँ पे तो फोन अलाउड नहीं है, तो मैं तुम्हारा फोन चलाऊंगा आराम से कार में बैठ के। और आज ये देखो, हाँ तो चलो ठीक है, मैं चलती हूँ एग्जाम देने, फिर मिलती हूँ, क्योंकि अभी ऑलरेडी मुझे लगा 1:30 बज गया है। हाँ निकलते हैं, अभी तो निकले ही है बक्सर से। अभी हम लोग कॉलेज के पास आ गए हैं और यहाँ पे वेट कर रहे हैं, बिकॉज 2:30 बजे आ गए हैं, तो थोड़ा सा 10 मिनट के बाद ही जाऊंगी। और मैं नूडल्स खा ली थी, फिर अभी पति थी नूडल्स खा रहे हैं, क्योंकि मेरे से ये पूरा नूडल्स तो मैं खा ही नहीं पाऊंगी, इतना बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत हैवी हो जाता है, तो अभी ये खा रहे हैं। और आज इनको कोई काम नहीं है, और बेचारे 2 घंटा तक मेरा इंतज़ार करेंगे यहाँ पे। यही अथर सो गया है, अब अथर यहाँ से उठेगा ना तो इनके साथ थोड़ा सा मस्ती करेगा, इनको चाटेगा। बहुत बातें करता है वो। तो गाइज अभी मैं एग्जाम देके आ गई हूँ, और यहाँ पे रास्ते में हम लोग रुके हुए हैं। एक्चुअली अथर्व के पापा गए हैं वहाँ पे इसके लिए जूस लाने, वो गए थे तो समोसा और लौंगलाता लेके आए हैं, और अथर्व बोल रहा है कि मम्मा मुझे जूस पीना है, और जूस भी किस चीज का पीना है, तो ऑरेंज जूस पीना है ना? हाँ।
तो ऑरेंज जूस यहाँ पे सामने बोर्ड तो लगा हुआ है बट यहाँ पे ऑरेंज जूस मिल नहीं रहा है, और वहाँ पे मौसमी का मिल रहा है, बनाना का मिल रहा है, अनार का भी नहीं मिल रहा है। तो ये बोल रहा है मौसमी का नहीं चलेगा, हमको ऑरेंज चाहिए, जो मतलब प्योर ऑरेंज कलर हो, ओरिजिनल जो ऑरेंज होता है, बट इसको मिलेगा नहीं। छप कलर के फिर आगे है ना ऑरेंज होता, लेकिन वो सिर्फ बैनर पे लगाया बेटा, वो रियल में बेच नहीं रहे हैं, उनके पास अभी अवेलेबल नहीं है। देखो पापा ला दिए मौसमी का जूस, पियो। और ले पापा तो दो दो जूस लाए हैं, मैं तो नहीं पीऊंगी, तुम ही पीना। हट, गेट खोलने दो, हटो गेट खोलने दो। ये बनाना का है, ये मौसमी का है, कौन सा पियोगे बोलो? क्या पियोगे, बनाना? कौन सा पियो? तो मौसमी का नहीं, मैं नहीं पीऊंगा, आप पी लीजिए। अरे तो पकड़ो। अच्छा ठीक। यही दीजिए इसको, ये लो पीने दो, ये लो बेटा, ना मुझे ये पीना है। पियो। अच्छा पीछे रखिए उसको, पीछे रखिए, तो गिरा दोगे तुम गाड़ी स्टार्ट होगा तो। फूल है थोड़ा सा, इसका पी लीजिए ना, स्टार्टिंग वाला थोड़ा सा पी लें, गिरा देगा ये। बनाना वाला पियो। चलो फिर चलते हैं यहाँ से, थोड़े बहुत जब उधर से निकलते हैं तो अपने रेस्टोरेंट से नूडल्स या मोमोज पैक करा खिलाते हैं खाने के लिए, और जब इधर से एग्जाम देके निकलते हैं तो समोसा लॉन्ग लगता जूस वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि 1.5 घंटा का हमारा रास्ता है तो कुछ तो खाने पीने के लिए चाहिए, और चलते हैं। गाइस अभी हम लोग समोसा खा लिए हैं और लॉन्ग लता भी, और वीडियो फोटो बनाए हम लोग रास्ते में रुक के, थोड़ा सा शूटिंग किए हैं अपना वीडियोस फोटो का, देख हम कह रहा होता। और फिर अब चले हम लोग पेट्रोल पंप के पास अपने गाड़ी में, है ना? हाँ। ये तेरे को तो बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है तेरे को। चलो आले आले आले। तो हम लोग खूब मस्ती करते हुए एग्जाम देने जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, घूमी घूमी कर रहे हैं। डीजल पेट्रोल, डीजल पेट्रोल हम लोग को डलवाना है पेट्रोल। गाइस तो अभी हम लोग बक्सर पहुंचने वाले हैं, बट अभी थोड़ा टाइम लगेगा, और पता है 1.5 घंटा का रास्ता है तो थोड़ा बहुत अपना एंजॉय कर लेते हैं, लेकिन फिर कभी कभी बोर भी फील होने लगते हैं। नहीं सर। तो अभी क्या करें समझ में नहीं आ रहा था। ओके चलो आगे खरीदूंगी मुरब्बा खाना। तो पता है मैं सोची चलो मैं ब्लॉगिंग कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत आप लोगों से बातचीत कर लेती हूँ। तो गाइस देखो मैं एक चीज आपको बता रही हूँ, वैसे मेरे पास जो कमेंट्स आते हैं यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे, तो नेगेटिव कमेंट्स बहुत कम आते हैं, और नेगेटिव कमेंट्स जो आते भी हैं दो चार, कभी कभी कुछ लोग पर्सनल अपनी आईडी बनाते हैं सिर्फ इसीलिए कि इनको कमेंट करें नेगेटिव। तो कमेंट आते भी है तो मैं उनका रिप्लाई देना जरूरी नहीं समझती हूँ। लगता है लोकल ही कोई होता है, हम ही लोगों के आसपास, मतलब वो लोकल ही क्या पता चलता है ना कि ये इनकी आईडी मेरे लिए ही बनी है, तुरंत बनाए हैं और कमेंट किए, और फिर अगर मैं डिलीट कर दूं तो चलो ठीक है कोई बात नहीं, जिसका जैसा सोच वो अपना काम करे, मुझे उससे क्या, मुझे अपना काम करना है। मुझे पता नहीं इतना मेहनत करके इससे मिलता क्या है। हाँ, कुछ नहीं मिलता है, और ज्यादातर अगर ज्यादातर मैं देखूँ ना तो अगर मतलब मैं अपना ओपिनियन दूँ तो शायद वो लड़की औरत ही होती है, एक औरत ही एक औरत की दुश्मन होती है। औरत जो भी हो, लेकिन हमको यही नहीं समझ में आता है कि इन लोगों को मिलता क्या, इतना टाइम कहाँ से निकाल लेते हैं कि आईडी बनाओ फिर उसके बाद उनके आईडी पे जो है। हाँ, पहले वीडियो देखो और फिर उस पे नेगेटिव कमेंट करो, मतलब गलत कमेंट करो। हाँ, कमेंट करो उससे देखो फायदा क्या है। बहुत सारे लोग तो नहीं है, सबको नहीं, मेरे जो ऑडियंस है ना देखो 5 ही कमेंट आए, लेकिन मतलब पॉजिटिव आए, अच्छा है, तो अच्छा चीज है, चलो आता है भी है, मैं रिप्लाई भी करती हूँ। या फिर देखो नेगेटिव की मैं बात करूँ तो मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ उन लोगों को, और ज्यादा से अगर मुझे लगता है कि ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, डिस्टर्ब तो करता नहीं है, अगर लगे मुझे तो मैं तुरंत उसको डिलीट करती हूँ और ब्लॉक करती हूँ, बस मेरा यही काम है, मैं रिप्लाई नहीं करती पर्सनली, मैं लिख के तो रिप्लाई कभी भी नहीं करती हूँ, भले कभी कभी अगर ब्लॉग में बातचीत में बता दूं तो, लेकिन मुझे लगा इस बार मुझे बात करनी चाहिए आप लोगों से। तो पता है एक इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था, जैसे कि मैं सिल्वर मंगलसूत्र का ऐड की थी, ठीक है, उनका प्रमोशन की थी, तो उन्होंने कमेंट किया कि फ्री में मिलता है सब कुछ, मंगा कर
लेने की तो औकात नहीं है शायद ऐसे। मैं अब स्क्रीनशॉट ली हूँ उसका, साइड में स्क्रीनशॉट डाल दूंगी, आप लोग देख लेना। तो भाई इनको आप लोग खुद ही समझाइए कि मेरी औकात क्या है और मैं गोल्ड ले सकती हूँ कि नहीं, मैं सिल्वर ले सकती हूँ कि नहीं। मतलब एक छोटा सा सिल्वर का मंगलसूत्र आई थिंक मुझे लग रहा है 1000 की भी होगी कि नहीं होगी, मुझे एग्जैक्ट उसका प्राइस नहीं पता है। आप लोगों को पता है वो सारी चीजें सही में फ्री में ही आती है प्रमोशन के लिए, लेकिन वो फ्री की चीजें होती नहीं है क्योंकि हम जितना मेहनत करते हैं ना और जितना मेहनत करके आज इतने फॉलोअर्स गेन किए हैं उस सब मेहनत के पीछे ये 1000-2000 रुपया कुछ नहीं है, क्योंकि जो लोग भी मेहनत करके कमाते हैं इससे ज्यादा ही कमाते होंगे। तो मतलब इन लोगों को लगता है कि फ्री में सारी चीज आती है, फ्री में नहीं आती है भाई, दिन रात एक करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। वो मेहनत से जो लोग पैसे कमाते हैं हम लोग भी पैसे भी कमाते हैं और वो सारी चीजें, क्योंकि हमारा वो लाइन है ना, हम लोग प्रमोशन करते हैं तो सारी चीजें तो फ्री में आएंगी ही हमारे पास। और फ्री में क्या, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फ्री के साथ साथ हम लोग उसका चार्ज भी लेते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं लेते हैं, प्रोडक्ट का चार्ज भी लेते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट तो आया ही आया है, उसका जो वीडियो बनाने में मेहनत होता है ना उसका भी चार्ज लेते हैं। अगर आपको नहीं पता हो तो मैं पर्सनली आपको बता दे रही हूँ। अब आगे ये रही बात औकात की, तो औकात के बारे में मैं क्या ही बात करूँ आपसे। अगर आप खुद समझदार होंगी तो मेरी वीडियोस देख के आपको पता चल ही गया होगा, वरना आपकी जो ये मैसेज है जो कमेंट है उससे पता चलता है आपकी सोच क्या है या फिर कुछ भी। और खैर देखो मेरे जो भी लोग हैं वीडियोस देखते हैं उसमें एक ही दो लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे कमेंट करते हैं, तो मैं हर टाइम उनको इग्नोर ही करती हूँ, मतलब बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हूँ। कभी कभी तो मैसेज मैं पढ़ भी नहीं पाती हूँ, वैसे ही मैसेज पड़ा रहता है, लेकिन कभी कभी अगर मैं मैसेज रीड कर लूँ तो मुझे लगा कि चलो मुझे इस टॉपिक पे। ऐसे ही एक यूट्यूबर भी था, खैर यूट्यूब की तो मैं डिस्कशन ही नहीं करूंगी क्योंकि मुझे लग रहा है कि कल मैं उनका डिलीट की तो उसके बाद वो मैसेज भी नहीं की। और खैर कोई बात नहीं, चलो मतलब आप लोग, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो पर्सनली टाइम निकाल कर वो लोग बोलते हैं कि कोई काम नहीं है वीडियोस बनाना। अरे भाई आपके पास भी तो कोई काम नहीं है, मेरी वीडियोस देख रहे हो, देखने के बाद निगेटिव कमेंट कर रहे हो, पॉजिटिव कमेंट कर रहे हो या जो भी सारी चीजें, आपके पास भी तो सेम चीजें हैं ना। खैर हम तो कुछ अपना कर रहे हैं, जो भी अपना एक कैरियर बना रहे हैं, अपना इमेज बना रहे हैं, आप लोग खुद अपना सोचो। सबका एक अपना अपना अलग अलग फील्ड है, सबका अपना एक लाइन है। तो मैं सोची मुझे आपसे बात करना चाहिए इस टॉपिक पे, और ज्यादा मुझे किसी से बहस करने का कोई शौक नहीं है ब्लॉग में, और निगेटिव कॉमेंट्स में तो मैं बात ही चीत नहीं करती हूँ। लेकिन अब मेरी औकात के बारे में लोग पूछने लगते हैं तो भाई थोड़ा बहुत तो बात करना पड़ेगा ना, है ना सर? तो अभी हम लोग 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट बक्सर पहुंच जाएंगे, 10-15 मिनट लगेगा यार, वहां से निकल रहे ना 5 बजे, तो इधर इधर नहीं मिलेगा बेटा, इधर मार्केट नहीं है ना, इधर तो रास्ता सुनसान है, मार्केट में मिलेगा। तो गाइस देखो आज इतना रिलैक्स फील हो रहा है हमको, मुझे, क्योंकि आज मेरा आज लास्ट डेट था और एग्जाम मेरा खत्म हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। नेगेटिव कमेंट वीडियो से रिलेटेड हो तो अच्छा लगता है। क्या बोल रहा है? मतलब वीडियो में कुछ कमी दिखे, मेरा कहना है वीडियो में कुछ कमी दिखे, कुछ एड ऑन हो, कुछ सलाह देना चाहे, हाँ। इस तरीके के कमेंट अच्छे लगते हैं, लेकिन कुछ अजीब तरीके के कमेंट लोग कर देते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है, जिसका दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, दूर दूर तक मतलब नहीं है, वो लोग कमेंट करते हैं ताकि जो मेरे अच्छे भी व्यूअर्स हैं वो भी देखेंगे तो बोलेंगे अच्छा, क्या सही में इनके साथ ऐसा हुआ है। नहीं, बात ये है कि कोई दुनिया में किसी से कम नहीं है, मेरा मानना यही है, सब अपने आप में अमीर है, सोचो तो अपने आप में गरीब है, सब सोच के ऊपर है। तो ये बात समझ के रखनी चाहिए कि हम किसी से कम नहीं है तो हम किसी से ज्यादा भी नहीं है, ये सोच लेना कि नहीं हम बहुत बड़े हैं और हमारे आगे कोई नहीं है, तो ऐसा घमंड या ऐसी सोच रखना ही नहीं चाहिए। वीडियो है, ब्लॉग डाला जाता है एंटरटेनमेंट के लिए, प्लस अपने शौक के लिए कि एक वीडियो बने और आप लोग देखें भी, और आप लोग देखते हैं, कई लोग देखते हैं तो मोटिवेट भी होते हैं उससे, कई लोग मोटिवेट होते हैं, वो भी कोशिश करते हैं कि हम भी इस तरीके का काम करें और वीडियोज बनाएं, क्या यही ना है? अगर किसी गांव में घर में कोई लड़का नौकरी निकाल लेता है तो सारे लड़के प्रयास करते हैं कि हम भी निकाल लें, तो ऐसे ही है कि सब चीजें दिखाई जाती हैं कि भाई देखिए वर्क करने वाली भी औरतें जो है सारा काम कर सकती हैं, वर्क करते हुए दो पैसा कमा सकती हैं। तो ये जो चीज है ब्लॉगिंग, जो यूट्यूब दे रहा है, जो सोशल मीडिया दे रहा है, वो बहुत अच्छी चीजें हैं, तो सभी लोग करें, लेकिन कमेंट करें, लेकिन पर्सनल वे में कमेंट कर देते हैं तो थोड़ा सा बुरा। हाँ देखो, जो मेरा काम है, अगर मेरी वीडियो में, मेरे ब्लॉग में जो आपको दिए, देखो कभी कभी लोगों को लगता है
ये ड्रेस अच्छी नहीं लग रही है, ये मेकअप अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर घर में जो सारी चीजें प्रॉब्लम हो, तो वो चीजें अलग है। ब्लॉग में जो चीजें दिखता है आपको पूरा हक है आप उसमें कमेंट करो, बट ब्लॉग में वैसा कुछ है ही नहीं। आप पर्सनल लाइफ से कभी कभी कमेंट कर देते हो, वो भी बिना मतलब का, जो झूठ है कभी सच है नहीं। मैं तो उस सब टॉपिक में कभी डिस्कशन ही नहीं करना चाहती हूँ, बिकॉज आप लोग जो भी कमेंट करते हो उसमें मुझे बात ही नहीं करना है। बात करना है हाँ जो सही हो, क्या जो प्रेजेंट है उसमें ना बात करेंगे। हाँ जो है ही नहीं उस टॉपिक में मैं क्या बात करूंगी, मेरे से ज्यादा तो आपको पता है भाई, मुझे तो पता ही नहीं है ये सारी चीजें। तो पता नहीं आप लोग कहाँ कहाँ से ये सारी चीजें उखाड़ के लाते हो, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि मेरा खुद का काम है जो कि मैं 24 आवर्स बिजी रहती हूँ। ये सब चीजें कह के चाहते क्या है लोग, घर बिगड़ जाए, घर टूट जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। और चाह के भी कोई कुछ मेरा उखाड़ नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो जितना जो भी अब गंदी सोच है ना, आप अपनी गंदी सोच अपने पास रखो, मुझे मेरा काम जो कमेंट आया उसके बारे में। हाँ उसकी तो मुझे आईडी भी नहीं उसको, अरे भाई इतना ही शौक है ना, आओ ना, मैं तो बता रही हूँ। अगर मतलब ये जो भी कमेंट करते हैं, कभी कभी लगता है कि जान पहचान के ही लोग हैं, या फिर कुछ ज्यादा ही जानते हैं मेरे बारे में, तो मेरे ही शहर से होंगे, बक्सर से होंगे। आओ भाई आमने सामने बात कर लेते हैं, अच्छे से बात कर लेते हैं। यूट्यूब पे कॉमेंट्स कॉमेंट्स क्या खेलना है, आप कॉमेंट्स करो, मैं ब्लॉग बनाऊँ, ये थोड़ी ना करना है। हमको अपना दूसरा काम करना है, आपको भी करना है। तो अगर ज्यादा शौक है मेरे बारे में जानने का, मेरे से बातचीत करने का, तो मिल लो कभी, सिंपल सी बात। चलो ठीक है, फिलहाल इतना ही, और इसी के साथ ये वाला ब्लॉग मैं ही एंड करती हूँ। और ये जो सूट पहनी हूँ ना, ये जो ड्रेस पहनी हूँ भाई, देखो ये भी फ्री का ही आया है, किट्टू कलेक्शन के पेज से आया है इंस्टाग्राम से, और मैं इसका प्रमोशन भी कर दी हूँ। और चलो ठीक है, आप ही लोगों की वजह से मैं इतना भी आई हूँ, मैं प्रमोशन करती हूँ, कोलैबोरेशन करती हूँ, दो चार लोग मुझसे जानते हैं। बस ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए, निगेटिव वे में कीजिए या पॉजिटिव वे में कीजिए। आप लोग भी वीडियो बनाइए, आप कमेंट कर रहे हैं ना वीडियो बनाए, मेरे पास भर भर के कमेंट आ रहा है कि मुझे बताइए फर्स्ट ब्लॉग कैसे बनाते हैं, मुझे आइडिया। अच्छा तो इसका आइडिया सिंपल सा है कि आप खुद यूट्यूब पे सर्च, आप खुद यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए। जिसको भी नहीं लग रहा है ना कि उनको आइडिया नहीं मिल पा रहा है, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है आपके ब्लॉग्स में, आपके यूट्यूब चैनल में, तो डायरेक्ट आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए। गाइज हम भी ऐसे ही थे स्टार्टिंग में, मुझे भी कुछ नहीं आ रहा था, मैं भी ऐसे ही सर्च कर करके आगे बढ़ी हूँ, और इस फील्ड का मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है। आपको पता है मैं टेक्निकल वीडियो नहीं बनाती हूँ, मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। जो टेक्निकल वीडियो आप टेक्निकल का कोई काम ही नहीं, सबसे बड़ी बात है कि जो भी आपकी रियल चीजें हैं, जो भी आपकी रियलिटी है, उस चीज को आप डालिए। यूट्यूब यही कहता है, इसीलिए पैसे भी देता है, पेमेंट भी करता है, कि आप दुनिया की जितनी भी चीजें हैं एक जगह सम्मिलित हो, और कोई भी उससे रिलेटेड चीज को सर्च करे तो वो मिल जाए। इसलिए जो है आप लोग जहाँ हैं, जिस तरीके से हैं, उस तरीके के वीडियो डालिए, आपके अंदर जो क्वालिटी है, आपके अंदर जो एक्टिविटी आपको आती है वो आप करो, ये मत सोचिए गलत नहीं सही करो। उसको डालते रहिए धीरे धीरे। आप ये सोच के डालिए कि हमको अपना एक वीडियो जो है सेव करके रखना है, कि भविष्य में कभी 10 बरस बाद 15 बरस वायरल हो सकता है, वायरल हो जाए हम खुद देख सकते हैं। तो इस तरीके से काम कीजिए, और इसको एंजॉय के तौर पे लेकर काम कीजिए, कंपेयर करके नहीं किसी से, कि उनका 300 है तो हम डालेंगे, हमारा नहीं जा रहा है तो हम नहीं डालें, ऐसा कुछ नहीं सोचिए। डालिए, मजा कीजिए, एंजॉय कीजिए, बात खत्म यहीं से। हाँ, अगर आपकी फैमिली और आपके जो भी मतलब लोग हैं, अगर आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आप करो, अदरवाइज आपका नहीं है तो फिर मत करो, अलग की बात है, फिर अलग की बात है। अपना सारा कुछ समझते और देखते हुए करना है काम, हर चीज को समझना भी, ये नहीं कि अब अपने फैमिली और परिवार से अलग होकर लड़ाई करके झगड़े करके इस तरह के काम करो, तो ये नहीं, सब खुश रहें आपके काम से, ऐसा ही काम करो, और यही कोशिश भी रहनी चाहिए। ओके चलो ठीक है, फिर ये वाला ब्लॉग में ये पेंट करती हूँ, मिलती हूँ कल नए ब्लॉग में। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्या कीजिएगा, फ्रेंड और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।